दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बो बॉलीवुड क्रेजीज। बहुत दिनों बाद आज एक अच्छा खासा गाना रिलीज हुआ है टीसीएस पर, गल्ला गोरिया। जी हाँ, और ये गाना पंजाबी वाला तड़के के साथ इस गाने ये गाना पेश किया गया। गल्ला गोरिया मैंने सर्च किया जो गूगल पे, तो दो गाने मुझे सामने आए। एक तो गल्ला गोरिया पुराना जो गाना था और जिसे हरभजन मान ने गाया था, और एक गाना गल्ला गोरिया वापस आया, उसका आई थिंक रिमेक वर्जन था, बाबा बाबा ब्लैकशिप नाम की एक फिल्म में यूज किया गया था, जिसमें मनीष पोल भी नजर आए थे और मिक्का ने गाना गाया था। लेकिन वो दोनों गाने को सुनने के बाद ये गाना जब मैं सुना, ये गाना बहुत ही अलग है, गल्ला गोरिया थोड़ा सा अलग है। और मृणाल ठाकुर को देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे, जो सुपर 30 फिल्म में प्रेमिका बनी थी, वो भी हमारे ऋतिक पाजी की, उसके बाद बैटल हाउस में साथ में नजर आई थी वो भी क्या बोलते हैं हमारे जॉनी बहन के साथ, और इस गाने में भी जॉन के साथ ही मृणाल ठाकुर नजर आ रही है, और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अगर ओवरऑल गाने को ज्यादा समझ में पंजाबी नहीं आता है, बट स्टिल जो फ्लेवर था, एक अच्छा फ्लेवर था गाने में, और जो म्यूजिक था यहाँ पे टेस का म्यूजिक बहुत अच्छा था, और पैर आपके जरूर थिरका देगा ये गाना, और लिरिक्स कुमार और टास्क के थे, टीज है, तो नाम भाई थोड़ा सा अच्छा लेकर रख लीजिए आप, अच्छा नाम है वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा टेस टूज है ना, समझे ना, ठूस है ना, थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो ओवरऑल गाना अच्छा है, और गाने के बोल्स काफी अच्छे, और गाना देखकर मुझे थोड़ा सा विवाह वगैरह जो फिल्म थी उस तरह की फिल्मों की याद आ गई, जैसे कि ऑफकोर्स एक अच्छे खासे ड्रेसिंग में नजर आ रहे हैं जॉन इब्राहिम, और वहां पे मृणाल ठाकुर ने कहीं ना कहीं फ्लर्टीज करके नजर आ रहे, उसके बाद हम गाने में देखेंगे दोनों साथ में नजर आ रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, ये सब ठीक था। लेकिन इस गाने में डांसिंग अंकल भी है, जो डांसिंग अंकल मतलब गोविंदा का जो गाना आपके आ जाने, समझ इस तरह से उनका था, मुझे आता नहीं गाना, और मैं बुक पढ़े गा रहा था तो अजीब सा लग रहा है, बट वो जो गाना है वो बहुत अच्छा गाते थे डांसिंग अंकल, एक बार ऐसे करते हैं आपके आ जाने से आपके तो कुछ वो फ्लेवर वाला गाना है। डांसिंग अंकल अपने फ्लेवर में नजर आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3 मिनट 58 सेकंड आपने पूरे गाने में अगर उनको दिखाया है थोड़े थोड़े सीन में डांसिंग अंकल को, कुछ नहीं, सिर्फ उसको 10 सेकंड दे देते ना आप एक्स्ट्रा, या उसी में कहीं खुद ही नाचते, तो गाना और भी ज्यादा बम्पर हिट होता, मुझे ऐसा लगता है। गाना अच्छा है नो डाउट, बट हाँ डांसिंग अंकल का मैं सोलो परफॉर्मेंस देखने का कोशिश कर रहा था, बट मुझे कहीं मिला नहीं, सिर्फ से कुछ सॉन्ग, एंड आपको गाना सुनकर अच्छा लगेगा। मृणाल ठाकुर जॉन इब्राहिम की जोड़ी वाकई में कमाल की है, और ये गाना देखकर मुझे ऐसा लगा कि कोई फिल्म रिलीज होने वाली है और उसके प्रमोशन में उसके गाने रिलीज हो रहे हैं, लेकिन दुख भरी बात यह है कि 2 से 3 महीने तक उसकी कुछ संभावना नहीं है। इस गाना कैसा लगा आपको जरूर बताइए। अगर मेरी रेटिंग की बात की जाए 100% में से मैं इस गाने को लगभग 60% दूंगा, यानी कि फर्स्ट क्लास। चलिए फिलहाल कितना ही, लव यू ऑल, बाय बाय।